गाइस आप सोचेंगे मैं आज बैठा क्यों हूँ और बैठ के जो है वो इतने बड़े ट्रक का जो है रिव्यू कैसे कर रहा हूँ। देखो आज जो है टेक्निकलिटीज के बारे में बात करेंगे, आज जानेंगे कि ट्रेलर एंड ट्रिपर्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ये दोनों ही गाड़ियाँ अलग अलग चीज़ों के लिए बनी है। जैसे कि ये ट्रेलर है, अब ये ट्रेलर का काम एक्चुअली है लोड कैरी करना। अब ये ट्रेलर जो है 10 टायर्ड ट्रेलर है, प्लस इसके पीछे जो लोडर लगेगा वो तकरीबन 12 टायर्ड रहेगा, और 12 प्लस 10 हो जाते हैं यहाँ पे 22, तो 22 टायर्ड जो है वो यहाँ पे मशीन हो जाती है। टिपर्स जनरली जो है वो इक्विपमेंट्स को यहाँ पर कैरी करते हैं, जैसे कंक्रीट मिक्सर हो गया, कंक्रीट डिस्पेंसर हो गया, या कुछ इस तरीके का इक्विपमेंट जो इसका एक्सटर्नल यूज़ हो, वो लोड कैरिंग में काम नहीं आते। अभी मेरे साथ में जो ट्रेलर है वो है सिग्ना 5530। अब सिग्ना 5530 के डायरेक्ट राइवल्स बहुत सारे हैं, जैसे कि महिंद्रा ब्लासो आप यहाँ पर देखते हैं, या बेंज 55 यहाँ पे आपको ऑफर होता है, या फिर आप अशोक लेलैंड का 5525 भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ट्रक्स हैं, और इनफैक्ट भारत बेंज का 1923 सी करके भी आता है, वो भी यहाँ पर जो है वो आपको देखने को नजर आएगा। इसमें ऐसा क्या खास है इसके बारे में ज़रा जानते हैं। देखो जनरली जो है वो लोडर का काम यही होता है कि वो इंडस्ट्रियल एरिया में कैरी करे सामान को, या फिर वो इंट्रा सिटी भी यहाँ पर सामान को कैरी कर सकता है, या फिर वो कंस्ट्रक्शनल साइट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर साइट पर जो है वो जनरली कामयाब होते हैं। उनका काम यही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह लोड को कैरी करके उनको ले जाना होता है। ये एक बहुत ही सक्सेसफुल टाटा सिग्ना नाम से 5530 प्रोडक्ट है जो बहुत सक्सेसफुल रहा है, और तकरीबन 45 लाख रुपीस के करीब जो है आप इसकी एक शोरूम मान सकते हैं। ऑन रोड आते आते वही मोटा मोटी ये 48 से 50 लाख रुपए आपको कॉस्ट करेगा। दोस्तों टाटा सिग्ना 5530 में जो क्यूमिंस का इंजन लगा है वो 6.7 लीटर का इंजन है, और ये प्रोड्यूस करता है 300 BHP की पावर एंड देता है आपको 110 Nm का टॉर्क। अब जनरली आप कमर्शियल व्हीकल्स को जो है BS4 में ही देखते हैं, वो BS6 नॉर्म्स के साथ में नहीं आता है। तो ये 30% पावर जो है वो ज़्यादा ऑफर करती है फ्यूल एफिशिएंट होने के बावजूद, 35% जो है वो टॉर्क डिलीवरी देती है, और एक्सीलेंट लोड पुलिंग कैपेसिटी के साथ ये पर्टिकुलर ट्रेलर जो है वो हाई टॉर्क लो RPM पे देता है, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी निकलती है। जनरली अगर हम सर्विसेज के बारे में बात करें तो इसका 40,000 किलोमीटर पे एक चेकअप होता है, प्लस जो मेजर सर्विस होती है वो सीधा 80,000 किलोमीटर पे होती है। इसीलिए इसकी जो है वो 6 साल की या 6 लाख किलोमीटर की यहाँ पर वारंटी भी ऑफर करता है टाटा। 1150 हायर कैपेसिटी ट्रांसमिशन यहाँ पर ऑफर किया जाता है। हालांकि जो सर्विस एंड मेंटेनेंस के बारे में हम और थोड़ा स्ट्रेच करें तो उसका जो क्लच फ्लूइड है वो 2 लाख किलोमीटर पे चेंज होगा, ऑडोमीटर के 2 लाख किलोमीटर पे, और ट्रांसमिशन ऑयल जो है वो 1,60,000 किलोमीटर पे चेंज होगा। 6 लाख किलोमीटर चलने में या 7 साल में मोटा मोटी ये केवल 4 सर्विसेज ही मांगता है, तो हुआ ना ये आपके बजट में काफ़ी सस्ता। गाइस देखो ये अगर साइड प्रोफाइल से देखो तो ये अभी एम्प्टी है, ये शेल ही समझ सकते हैं आप इसको। यहाँ पर जो है वो एक लोडर आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि लोडर लगेगा, उसके बाद ये जो है वो कंप्लीट मशीन बनेगी। अब धीरे धीरे आगे चलते हैं और मैं आपको थोड़ा सा आगे वाली प्रोफाइल पे लेके चलता हूँ। देखो इस वाले सेक्शन से, साइड प्रोफाइल से यहाँ पर रिफ्लेक्टर यूनिट लगी हुई है, टर्न इंडिकेटर इसके फेंडर पे जो है वो दिया गया है, जो व्हील आर्च पर ही प्लेस्ड आपको नजर आएगा। इनफैक्ट जो मड फ्लैप है ये भी काफ़ी हार्ड प्लास्टिक के साथ में दिया गया, ताकि ये किसी भी ऐसे ऑफ रोड पे जब भी जाए तो ये हार्ड प्लास्टिक जो है वो ख़राब ना हो या फिर ये टूटे ना इजीली, इसलिए जो है काफ़ी मजबूत प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। अब ऑब्वियसली ये ट्रक है तो लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन ये इस्तेमाल किए गए हैं। अब फ्रंट में जो है वो आपको सीधे ही जो है वो लीफ स्प्रिंग, यानी कि इस तरीके से कॉन्केव शेप बनाते हुए लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन इस्तेमाल किए जाएंगे। रियर में यही ऊपर से नीचे हो जाएंगे, यानी कि ये रिवर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बड़ा टायर सेक्शन है, और 290 रेडियल 20 इंचेस के टायर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े आपको देखने को नज़र आएंगे, बहुत बड़ा इनका, इसीलिए जो है वो ट्रेवल भी आप नज़र देख पा रहे होंगे। यहाँ पे 3 स्टेपर दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ताकि इंग्रेस जो है वो इजी रहे, इनफैक्ट ईग्रेस भी जो है वो इजी रहे। आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ORVM, और ये 3 ORVM है, तीनों में से 2 वाइड एंगल हैं, एक ये टॉप वाला और एक ये नीचे वाला, और ये जो है वो रेगुलर ORVM ही आपको मिलता है जो कि पीछे का काफ़ी व्यू देता है। सो ये ORVM इसलिए ताकि आपको पीछे का व्यू ब्रॉडर लग सके, ये एग्जैक्ट पीछे का व्यू एंड ये बिल्कुल नीचे का व्यू जो है वो देखता है, ताकि कहीं से भी जगह पे लगे ना गाड़ी। अब आगे भी आप चलोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि एक जो है वो यहाँ पर भी दिया गया है, ताकि बहुत बड़ा वाइड एंगल व्यू मिल सके, और कोई भी यहाँ पर अगर है, कुछ बॉडी है
तो वो इंसान परेशान ना रहे, ड्राइवर जो है परेशान ना रहे, व्यू को लेके जो है वो उसको तकलीफ ना हो, इसलिए ये वाला जो है वो ORVM यहाँ पर भी ऑफर किया गया है। अब ये देखोगे आप हमेशा वाइड एंगल ही जो है वो या बर्ड आई व्यू ही जो है वो आपको कैप्चर करके देगा। यहाँ अगर आप चलेंगे तो सिग्ना की बैजिंग आपको यहाँ पे मिलेगी, एक टिक मार्क जो है वो अलग से एलिमेंट यहाँ दिया गया है। एंड जनरली जो केबिन है सिग्ना का ये लाइट वेटेड है और बताया जाता है कि बहुत रिजिड है, और यही केबिन जो है वो अलग अलग ट्रक्स में इस्तेमाल करता है टाटा। यहाँ पर देखेंगे तो एक और फुटस्टेप आपको देखने को नज़र आएगा, ताकि ऊपर चढ़ के अगर आपको विंडशील्ड पे कुछ क्लीनिंग करनी है तो वो सब आप इजीली कर सकें। इसीलिए यहाँ पर जो है वो ग्रैब हैंडल भी ऑफर किया गया है। टाटा की बैचिंग इधर दी गई है, टाटा का बड़ा सा लोगो जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। इनफैक्ट ये जो ग्रिल है, इस ग्रिल पे देखोगे आप बहुत सारे हनीकॉम स्ट्रक्चर भी ऑफर किए गए हैं। और यहाँ पे बड़ी सी हेडलाइट यूनिट है, एक टर्न इंडिकेटर भी है, लेकिन एक ही हेडलाइट यूनिट है, कोई फॉग लैम्प यूनिट नहीं है, ना इसमें डुअल बैरल है, लो बीम हाई बीम सब यहीं से कंट्रोल होगा। यही रीज़न है कि ट्रक वाले अक्सर जो है वो यहाँ पर एक एक्सटर्नल लाइट भी जो है वो लगवा लेते हैं। एनीवे आगे चलते हैं, 5530S की बैजिंग यहाँ पर जो है वो दी गई है। अगेन थ्री स्टेप जो इनग्रेस है यहाँ पर दिया गया है। एंड थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, यहाँ अगर आपको दिखाऊं तो बड़ा सा एयर फिल्टर भी जो है वो दिया गया है। अब ये एयर फिल्टर इसीलिए बड़ा है ताकि डीजल इंजन में जो अक्सर कार्बन कंटेंट ज़्यादा डिपोजिट होते हैं, तो उस वजह से डस्ट जो है वो ज़्यादा अंदर ना जाए, बड़ा सा एयर फिल्टर इसलिए दिया गया है। एंड ये सर्वाइव करता है 80,000 किलोमीटर तक, उसके बाद में जो है वो सर्विसेज पे ये एयर फिल्टर जो है वो अंदर से क्लीन होता है और चेंज होता है। ये जो आप देख रहे हो ये 365 लीटर्स का यहाँ पे फ्यूल टैंक देख रहे हो, और ऑब्वियसली डीजल इंजन है तो इसके साथ में आएगा यूरिया भी, तो यूरिया का जो है वो 60 लीटर का टैंक है। और ऐसा माना जाता है तकरीबन 5-6% का जो है वो उसका कंजम्पशन है। अगर हम 95% जो है वो फ्यूल ले रहे हैं तो 5% जो है वो यूरिया इस्तेमाल यहाँ पर होगा। तो 60 लीटर का और 365 लीटर का जो है वो यहाँ पर आप ये फ्यूल टैंक जो है वो देखोगे। अगेन अगर आप थोड़ा सा पीछे चलोगे तो वही आपको सेटअप है, दो टायर्स इस तरफ, दो टायर्स इस तरफ, एंड दो रो उनकी दी गई है, तो दो टायर इस तरफ एंड दो टायर उस तरफ भी दिए गए हैं। अब ध्यान से अगर आपको दिखाऊं तो आपको ना पीछे से मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो लीफ स्प्रिंग है इनका जो कटआउट है वो ऊपर की तरफ है, जबकि लीफ स्प्रिंग का जो कटआउट है वो नीचे की तरफ होता है। इसका रीज़न ये है कि इसको रिवर्स लीफ स्प्रिंग जो है वो लगाए गए हैं, ताकि इसको लोड कैरी करने में प्रॉब्लम ना हो और ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, एंड लोड कैरिंग कैपेबिलिटी भी जो है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ये रीज़न है। पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको जो है वो ब्रेक लाइट्स दी गई हैं, और यहाँ पे LEDs का इस्तेमाल किया गया है, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स एंड ब्रेक लाइट के साथ साथ एक रिफ्लेक्टर यूनिट भी दिया गया है। तो इसी तरीके से आप पीछे का जो है वो डिफरेंशियल देखिए, कितना बड़ा डिफरेंशियल इसके अंदर जो है वो ऑफर यहाँ पे किया गया है। चलो दोस्तों, इट्स हाई टाइम कि इंटीरियर चेकआउट किया जाए, जानते हैं इसके इंटीरियर्स में क्या क्या ऑफर किया गया है। गाइस अब आ चुके हैं हम सिग्ना 5530 के अंदर, और यहाँ जैसे ही आप आओगे ना तो आपको थोड़ा लग्जूरियस ये फील होगा, आपको रियलाइज होगा कि यार केबिन जो है वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जैसे ही लगेंगे इसके। यहाँ पर देखोगे बहुत ही बड़ा सा जो है स्टेयरिंग व्हील है, और इसके ऊपर जो मतलब डिज़ाइन लेआउट है ना वो करंट जनरेशन टाटा की गाड़ियों से ज़रूर आपको इंस्पायर नज़र आएगा। इसको अगर हम थोड़ा सा छोटा कर दें तो ये जो है वो टाटा हैरियर जैसा ही है बिल्कुल। स्टेयरिंग व्हील में बिल्कुल आपको रियलाइज़ होगा कि टाटा हैरियर सवारी जैसा जो है वो स्टेयरिंग व्हील आपको यहाँ पे मिलेगा। अगेन अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखें तो लेफ्ट साइड में टैकोमीटर मिलता है, टेम्परेचर गॉज मिलता है, राइट साइड में स्पीडोमीटर एंड फ्यूल गॉज जो है वो ऑफर किया गया है। बहुत सारे बटन्स हैं ताकि आप इसको अलग अलग परमिटेशन कॉम्बिनेशन से इसकी ऑडोमीटर सेट कर सकें, एवरेज डिस्टेंस जो है वो जीरो कर सकें, या अगर आपको कुछ भी चीज़ें जो है वो सेट करनी है तो इन्हीं 4-5 बटन्स के माध्यम से आपको करना होगा। अब एक चीज़ और, यहाँ पर अगर आप बटन्स देखोगे तो बहुत सारे बटन्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे लाइट के बटन्स दिए गए हैं, या आपके पास में ऐसा है कि लोड जो है वो ज़्यादा है तो आप यहाँ पर बटन दबा सकते हैं मीडियम का, जिससे ईजिली जो है वो इंक्लिनेशन पे या अगर फ्लाईओवर पे अगर आप हो तो वहाँ पर जो है वो ईजिली जो है वो क्रॉल कर सकता है ये। और हैवी का भी बटन है, यानी कि ओवरलोडेड हो तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बाय द वे 55 टन तक की जो है वो यहाँ पर वेट ये कैरी करके चल सकता है। दिस इज़ द परमिटेड गवर्नमेंट लिमिट, बट ऑब्वियसली ऐसा माना जाता है कि 90-100 टन तक का जो है वो आराम से वेट लेके कैरी कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्विचेस हैं, जैसे कि हेल्प का बटन है और इमरजेंसी ओनली बटन है, तो बहुत सारे ऐसे बटन्स हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, जिनका इस्तेमाल जनरली आप तभी करते हो जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो। 5 वोल्ट का DC सप्लाई दिया गया है, एक 12 वोल्ट का DC सप्लाई इस तरफ भी जो है वो ऑफर किया गया है। यहाँ पे आपको जो है वो देखने को नज़र आएगा ये ब्लोअर की स्पीड, तो ये ब्लोअर जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं
दो इस तरफ, एक इस तरफ और दो उस तरफ, यानी इन टोटल 5 वेंट्स दिए गए हैं यहाँ पर। ये आता है 8 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जिसमें से एक जो है वो आपको रिवर्स का भी मिलेगा। अच्छी बात ये है कि ये जो सीट्स हैं वो काफ़ी अच्छे सस्पेंशन इसके अंदर भी इस्तेमाल किए गए हैं, तो जब भी खड्डेदार सड़कें होंगी तो जो ड्राइवर है वो कभी परेशान नहीं होगा। हेडरेस्ट भी जो है वो फिक्स्ड ही है, लेकिन अच्छा लगता है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो स्टोरेज की स्पेस दी गई है, यहाँ पर आपके पास में लाइट मिलती है, तो ये कुछ इस तरीके की लाइट है, यहाँ पर और स्टोरेज स्पेस दी गई है। एंड जो ये सनवाइज़र है, ये देखिए कितना बड़ा सनवाइज़र आपको यहाँ देखने को नज़र आएगा। तो इन टोटल अगर हम बात करें तो केबिन जो है वो काफ़ी स्मार्टली डिज़ाइन की है। दोस्तों जल्दी से एप्लीकेशंस जान लेते हैं। तो ये आपको कंस्ट्रक्शन साइट्स में देखने को नज़र आएगा, सीमेंट या फ्लाई ऐश साइट में, एग्रो में, स्टील कॉइल्स या फ्लैट बार्स में, या LPG केमिकल टैंकर्स में नज़र आएगा, CKDs में, कोल माइंस में, कंस्ट्रक्शन एग्रीगेट्स में, बहुत सारी जगह जो है वो इसका इस्तेमाल होगा। दोस्तों कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो आपको काफ़ी पसंद आने वाली है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एंटी फ्यूल थेफ्ट, यानी कि जो भी कोई फ्यूल चोरी करने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे ये ज़रूर हेल्प करेगा। इंजन ब्रेक का भी बटन दिया गया है, 20% हायर सर्विस ब्रेक लाइफ आपको ऑफर करता है ये। 3 मोड दिए गए हैं फ्यूल इकोनॉमी स्विच करने के, लोड टेरेन मोड्स जो है वो दिए गए हैं, गियर शिफ्ट इंडिकेटर आपको मिलता है, लो रोलिंग रेजिस्टेंट टायर्स ऑफर किए गए हैं, न्यू जनरेशन टेलीमैटिक्स दिए गए हैं, जिनमें से बिजनेस मैनेजमेंट एडवांस फीचर्स भी ऑफर किया गया है। ट्विन फ्यूल टैंक है, फ्यूल चोरी के भी जो है वो उससे चांसेस काफ़ी कम होते हैं। इनफैक्ट हिल स्टार्ट असिस्ट भी इसके अंदर आता है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक यहाँ पर स्टेयरिंग व्हील जो है वो ऑफर किया गया है। आपके पास में एरो किट भी मिलती है जो आप डीलर एंड से फिट करा सकते हैं। एंड 7 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन भी आप यहाँ पे डीलर एंड से ही जो है वो लगवा सकते हैं। सो दोस्तों ये तो था सिग्ना 5530 हमारे साथ में आज, और किसी दिन ज़रूर जब हम लोग भी अच्छे से ट्रक चलाना जान जाएंगे तो उसकी टेस्ट ड्राइव किया करेंगे, हम लोग भी जानेंगे कैसे ट्रक्स जो हैं वो यहाँ पर हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं और इनको चलाने में कितना मज़ा आता तब हम जानेंगे। बट फिलहाल तो लेकिन आज की वीडियो में इतना ही, आज का सेशन में इतना ही। हम बस चाहेंगे कि आप भी ढंग से ड्राइव करें, सेफली ड्राइव करें, हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं और वो तमाम सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल करें जिससे आप भी सेफ रहें। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। कार बाइक व्हाटएवर व्हीकल आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।